हेलो भाई लोग, तो क्या हाल है आपके? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज निकलते हैं हम अपने ब्लॉग पे और ये भी चलते हैं बाहर, और बाहर चल के देखते हैं क्या हाल है। रात को ओले काफ़ी ज़्यादा गिरे थे। चलिए अब चलते हैं बाहर और आपको एक बार बाहर का मौसम दिखाते हैं। तो दोस्तों, कुछ ऐसा है व्यू आज का, जो कि बादल आपको दिख रहे होंगे, काफ़ी काले काले बादल हैं और इस साइड तो कुछ ज़्यादा ही काले बादल हैं। आप देखिए, पूरी पहाड़ी ढकी हुई है, पहाड़ी दिखाई नहीं दे रही बिल्कुल भी, और इस साइड से कुछ ऐसा व्यू है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम चलते हैं बाहर और बाहर देखते हैं क्या हाल है। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं मार्केट में और मार्केट का माहौल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा दिख रहा है एकदम। आप देख सकते होंगे मेरे पीछे का व्यू, देखिए आप एक बार, कुछ दिखाई दे रहा है? धुंध के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होगा। और अभी हमें मार्केट के अंदर, तो चलते हैं थोड़ा बाहर और आपको दूसरी तरफ से दिखाते हैं। दोस्तों, काफ़ी सुंदर व्यू आ रहा है यहाँ का, जो कि यार दूर तक का तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, सिर्फ बादल बादल, धुआं धुआं, बस यही सब दिखाई दे रहा है। इस साइड से कुछ इस टाइप से मार्केट। और अभी हम चलते हैं, थोड़ा स्कूटी वगैरह रेंट पे लेते हैं और फिर स्कूटी से चलते हैं अपने डेस्टिनेशन पे और वहाँ फिर आपको हम घुमाते हैं। भाई लोग, तो स्कूटी हमने ले ली है, तो चलिए आपको स्कूटी दिखा देते हैं, उससे प्राइस। तो चलिए पहले आप जल्दी से स्कूटी देखिए। तो दोस्तों, हमने ये वाली स्कूटी ली है अभी, जिसका हमें प्राइस पड़ा है 400 रुपीज़। बट ठीक है, अभी देखते हैं इसका रिव्यू वगैरह, देखेंगे क्या है क्या नहीं। बाकी ये कह रहे हैं पेट्रोल भी ये कुछ देते हैं आधा एक लीटर के आसपास। बाकी चलिए चलते हैं बाहर, पेट्रोल वगैरह डलाते हैं, फिर मिलते हैं हम आपसे आगे। दोस्तों, हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका है स्कूटी पे, क्योंकि हमने स्कूटी रेंट पर ले ली है। बाकी चलते हैं अभी आगे, पेट्रोल फ्यूल चलाते हैं, फ्यूल चलाने के बाद आपसे हम आगे चल करके मिलते हैं। साइड भी देखिए, मौसम आ रहे हैं यहाँ से। देखिए, धुआं उठ रहा है नीचे से, जबकि ऊपर तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, नीचे थोड़ा बहुत कुछ दिख ही रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, लाइट हो गया ऊपर। चलते हैं पेट्रोल पंप की तरफ, जब तक आप ये नज़ारे एंजॉय कीजिए। यहाँ पर तो बिना ग्लव्स के तो बाइक चलाना भी बेकार है। दिक्कत हमें आने वाली नहीं है, लेकिन ग्लव्स नहीं पहनते तो दिक्कत आ सकती है। वगैरह क्या चल रहा है पेट्रोल का, बातें आपको ये भी मसूरी के अंदर पेट्रोल का क्या प्राइस चल रहा है। दोस्तों, जो यहाँ पेट्रोल का जो प्राइस है वो सेम है, दिल्ली वाला ही है, 95 रुपीज़। तो चलते हैं अभी पेट्रोल वगैरह फिल करके हम निकलते हैं वापस और फिर चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। हेलो दोस्तों, तो चलिए अब थोड़ा चाय वगैरह पी लेते हैं। तो सामने में चाय वाले मिल गए थे, हमने कहा थोड़ी चाय वाय पी के फिर निकलते हैं। अभी भी सर्दी का मौसम बहुत ज़्यादा, और आप पीछे देख ही सक रहे होंगे कितनी ज़्यादा यहाँ पर धुंध है। दोपहर का एक बज रहा है अभी और आप धुंध देखिए कितनी ज़्यादा धुंध हो रखी है। तो चलिए दोस्तों, चाय वगैरह पीते हैं फिर आपसे हम मिलते हैं। फ्रेंड्स, सर्दी है ज़्यादा, इस वजह से हमने थोड़ी चाय ले ली है, और पहाड़ों में चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। चलिए फ्रेंड्स, अभी चाय वाय पी के ख़त्म करके हम निकलते हैं अपनी डेस्टिनेशन के लिए और मिलते हैं आपसे हम रास्ते में। तो ये देखिए आप लोग, इतनी बर्फ़ जमा हो रखी है रोड के साइड में, जो कि ओले हैं, ये स्नो फॉल नहीं हुई है, ये सिर्फ ओले थे जो कि अभी आपको साइड में दिखाई दे रहे हैं। ओले हैं, ओले हैं, काफ़ी यहाँ ठंडा हो रखा है एकदम। फिलहाल तो हम अपनी स्कूटी से निकले हुए हैं बाहर, जो कि हमने 400 में ली थी, 500 रुपये बता रहे थे, बस हमने 400 में ली थी। मसूरी के अंदर यहाँ से 17 किलोमीटर दूर जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ चलेंगे, वहाँ चल करके आपको दिखाएंगे।
रोड पर पानी भी भरा हुआ है क्योंकि बरसात का नतीजा है, जो कि रात में काफ़ी ज़्यादा बरसात हुई है, जिस वजह से हमारी जो सुबह हुई है वो 1 बजे हुई है, 10-11 बजे तक तो ओले गिरे थे और बारिश होनी थी कंटिन्यू लगातार। तो चलिए फ्रेंड्स थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे चल करके आपको कुछ फुटेज वगैरह दिखाते हैं। फ्रेंड्स इस साइड में हो रखी है बिल्कुल भी धूप नहीं और सामने आप देखिए कितनी तेज धूप है, यहाँ का कुछ पता ही नहीं चलता है। यहाँ पे आप देखिए कितनी धूप है और इस साइड आप धूप देखिए, स्नोफॉल के साथ में धूप। और रोड के साइड में जमी बर्फ, काफ़ी ज़्यादा सर्दी है, उंगलियाँ सुन्न हो चुकी हैं वीडियो शूट करते करते, थोड़ी सी धूप मिली है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है, फिर दोबारा से धूप चली गई। हेलो दोस्तों, तो अभी हम थोड़ा सा यहाँ पर रुके हुए हैं कैंपटी वाटरफॉल जाते टाइम पे, यहाँ पर काफ़ी अच्छी धूप वगैरह आ रही, थोड़ा सा सोचा रुक ले, सर्दी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी और पीछे का व्यू आप देख ही रहे होंगे कितना शानदार आ रहा है। तो चलिए एक बार मैं आपको पीछे का पूरा शानदार व्यू दिखाते हैं और फिर हम बढ़ते हैं आगे अपनी वीडियो में। ये देखिए दोस्तों आप कितना शानदार व्यू आ रहा है यहाँ से, बादल देखिए चोटी को टच कर रहे हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे ये बादल, आप देखिए चोटी से नीचे बादल आ रखे हैं और इस साइड का व्यू कुछ ऐसा है और काफ़ी ज़्यादा अभी हमें नीचे चलना है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं आगे और आगे चल करके आपको वीडियो में काफ़ी कुछ दिखा।
दोस्तों यहाँ पर है काफी ज्यादा भीड़ जो कि आप देख पा रहे होंगे, बट यहाँ पर जो है गर्मियों में ज्यादा मजा आएगा क्योंकि गर्मियों में यहाँ पर नहा सकते हैं, तो जिस वजह से यहाँ पर उसका मजा चार गुना बढ़ जाएगा। लेकिन अभी तो सर्दी है बट फिर भी मजा काफी ज्यादा आ रहा है, जो ठंडी ठंडी बूंदें गिर रही है ऊपर से पानी की वो और ज्यादा मजा दे रही है। व्यूज कुछ इस टाइप से यहाँ पे नहाने वगैरह के लिए बना रखा है, ये बीच में बैठने के लिए बना रखा है जिससे आप यहाँ पर बैठ के इन्जॉय कर सकते हैं ठंडे ठंडे पानी को गर्मियों में। बट सर्दियों में तो हिम्मत नहीं है किसी की ये यहाँ जा करके बैठ जाए, गर्मियों में तो ठीक है बैठने के लिए बट सर्दियों में नहीं हो सकता। तो अभी आप देख रहे हैं ये पूरा वाटरफॉल और इस साइड में कुछ शॉप्स वगैरह हैं जो कि अभी कुछ क्लोज पड़ी हुई हैं। बाकी अभी हम आगे और चलेंगे और देखते हैं क्या है, बाकी फिलहाल आप देख सकिए इन्जॉय कीजिए आप इसको। दोस्तों एक बार आप ये ओवरव्यू देख लीजिए यहाँ का जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर हम करते हैं वीडियो को एंड और मिलते हैं आपसे ऐसी ही और मज़ेदार वीडियोस के साथ में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए। ये इसका ओवरव्यू, यहाँ पर गर्मियों के मज़े कुछ और ही होते हैं, एक बार गर्मियों में जरूर यहाँ पर आएंगे और यहाँ फुल मस्ती करेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। हेलो दोस्तों, तो कैसा लग रहा है आपको वाटरफॉल कमेंट करके बताना जरूर। वाटरफॉल है काफ़ी बढ़िया, जो हमने शिमला में जो वाटरफॉल बनाया था उसके तो टक्कर का काफ़ी ज्यादा, वो तो 15 का इसके सामने और ये काफ़ी बढ़िया है सच में। और सबसे ज़्यादा शायद घूमने वाली जगह भी यही है मसूरी में, यहाँ हम पहुँच चुके हैं क्योंकि व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है। चलिए दोस्तों फिर हम इस वीडियो को करते हैं एंड और आपको नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट जगह की वीडियो दिखाते हैं, तब तक के लिए।